Okay, I'm live now. अजीब सा आ रहा है यहाँ पे। हेलो हेलो हेलो, मैं देखूँ यहाँ पे कैसा आ रहा है। यूसुफ एक सेकेंड, अच्छा ये रिक्वेस्ट किसने भेजी है? यहाँ पे ना मुझे लगता है नहीं, मैं इंटरनेशनल स्कूल की नहीं थी, जलीब स्कूल की थी। अच्छा मैं वो देख रही हूँ साथ में मोबाइल पे अपने आप को ही, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी होता है ना कुछ एरर आता है वगैरह वगैरह, तो वो चेक करी थी। अच्छा मुझे दो रिक्वेस्ट आई थी मेंबर्स की, कि मेंबर्स असल में वो ग्रुप में लाइव कर करके ना मेंबर चढ़ गया मेरे सर पे। तो यूसुफ थोड़ा आहिस्ता प्लीज। तो मैं ना क्या कहते हैं, हाँ दो रिक्वेस्ट थी लुक्स की। तो मैंने कहा एक आंख जो है वो लुक करूंगी और दूसरी आंख दूसरी लुक करूंगी। तो ऐसे ही जो है ना आज डिफरेंट दो लुक, मतलब एक इस तरफ जो है वो डिफरेंट होगा और इस तरफ जो है वो डिफरेंट होगा, और ये इतने गंदे गंदे नाखून भी हैं तो आज थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। अलग अलग मैं जो हूँ ना आईज पे करूँगी। मैं ज़रा वो लुक जो है वो देख लूँ क्या थी। मुझे दो लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो लुक क्या थी। एक्चुअली जब नहा लेता है ना बंदा तो एकदम से इतना वो हो जाता है, मतलब डल सा, वो सिचुएशन हो रही है मेरे साथ। अच्छा ये लुक थी एक जो कि मैं आज करूँगी इस आंख पे, ठीक है ये वाली लुक। और एक और बंदी ने मुझे बोली थी, वो कौन थी, नूरा करके थी शायद, नूरा। ये वो थोड़ी सी ये लुक थी, वो पूरा ट्यूटोरियल है तो वो मैं इस आंख पे करूंगी। तो दो जो है वो अलग अलग लुक्स हो जाएंगे, और इसके साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो मैं उसको भी जो है वो आंसर करूंगी, और इंशाल्लाह इस लाइव को जो है वो मैं पोस्ट करूंगी। और ये मुझे इतने गंदे लग रहे हैं ना अभी नीचे से, मतलब ये मैसेजेस आ रहे हैं और मैं मतलब सही से मुझे नजर नहीं आ रहा मेरा चेहरा, तो मुझे नहीं पता ये मुझे नहीं पता इसको कैसे करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही इसकी मतलब। हेलो आयशा, हेलो विकास भाई, हेलो महक। सो यस मैं अभी स्टार्ट करने लगी हूँ स्टार्ट। तो अगर किसी ने बीच बीच में मुझे कोई क्वेश्चंस करने हैं, हेलो, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। साथ साथ में क्वेश्चन पूछ लो तो ज़्यादा अच्छा। मैंने सबसे जो है वो सुबह डाल दिया था क्या कहते हैं स्टोरी, कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करने, यार ये क्या बदतमीजी है यार, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी, मुझे उल्टा गुस्सा आ रहा है। मुझे कोई बता दे ये मैसेजेस कैसे हाइड होते हैं। नहीं, एंड होने वाला था मेरा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो आयशा? अच्छा तो मैं ना लुक स्टार्ट करने लगी और साथ साथ में मैं एक्सप्लेन करती रहूंगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करने हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आज मैं दो जो है वो लुक्स करूंगी, एक आंख पे दूसरी और एक आंख पे दूसरी। तो
बेसिकली मैं कुछ अजीब नमूना बनने जा रही हूँ आज, तो आप लोग बस कोऑपरेट करें मेरे साथ। सबसे पहले मैं ये वाली लुक जो है वो अपनी राइट साइड पे करूँगी, जो कि ये है, ठीक है? तो स्वाइप टू लेफ्ट, नहीं लाइव में नहीं होता शायद, नहीं हो रहा स्वाइप, पता नहीं क्या मसला है इसके साथ, अजीब सा लग रहा है मुझे ये, अजीब सा मुझे ऐसा लग रहा है मेरे मोबाइल में कोई मसला है। खैर ठीक है, मैं ये लुक जो है वो अपनी इस साइड पे करने लगी हूँ। हेलो नैना, हाय SKF। तो अच्छा, जब मैं पर्सनली जब कोई हैवी मेकअप करती हूँ ना, तो मैं अपनी आईज से स्टार्ट करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब हैवी मेकअप करते हैं तो डार्क शेड्स यूज होते हैं और उसमें जो है वो फॉल आउट होता है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं फाउंडेशन लगा के उसके बाद अपनी आईज करूँ, अपने जो फेस का जो है वो सत्यानाश कर दूँ। तो मैं अपनी आईज करती हूँ सबसे पहले, और आईज में भी सबसे पहले आईब्रोज करती हूँ, ठीक है? और इस वक्त आप लोग मेरी स्किन का सत्यानाश ऑलरेडी देख रहे हो, क्योंकि मेरे बहुत से इश्यूज चल रहे हैं, तो ये जो है वो उसका आउटकम है। अब सबसे पहले जो है वो मैं अपनी आईज से स्टार्ट करती हूँ, जो कि है, अच्छा मैं मुझे एक मेंबर ने बोला था, मेंबर फिर से मेंबर, मुझे किसी ने बोला था कि सस्ती सी पैलेट बता दें कोई, कि ना लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं मतलब महंगे महंगे। तो मैंने कहा अच्छा ना, उसी में से करके बता दूंगी, और मैं बता दूंगी कि कौन से ऐसे पैलेट्स हैं जिनको आप रिजनेबल प्राइस में ले सकते हो, और उसमें हर कलर होगा, ठीक है? वो भी दिखा दूंगी। तो मैं इस वक्त जो है वो ये ब्लैक शेड ले रही हूँ, और इसकी मदद से जो है मैं अपनी आईब्रोज बनाऊंगी, वो भी मैं सिखा देती हूँ कि कैसे आईब्रोज बनाते हैं अपनी। इस वक्त मेरी आईब्रोज भी देखो थोड़ी सी आई नहीं है, बट इट्स ओके। तो ये देखें, मैंने अपने जो है वो जो है वो क्या कहते हैं शेड को जस्ट वन टैप किया है इसके अंदर, ठीक है? और अब जो है वो, हेलो अर्शिद, अच्छा इनका गिव अवे चल रहा है, तो अगर आप लोगों ने, कुवैत वालों ने पार्ट लेना है, तो आई गेस सिर्फ कुवैत वालों के लिए कि वर्ल्ड वाइड है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, बट गिव अवे चल रहा है, तो आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे जब आईब्रोज बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, क्या करना है, आपने अपनी ब्रश को ऐसे रखना है, क्योंकि हमारा जो एंगल होता है वो देखें ये ऐसे होगा, और अगर मैं ऐसे करूंगी तो वो सही नहीं होता। जब हम मैं इस तरफ की बनाऊंगी तो इस तरफ रखूंगी, ठीक है? ये ऐसे रखूंगी, और अगर इस तरफ की बनाऊंगी तो मैं ऐसे रखूंगी, ठीक है? तो ये एक छोटी सी यू नो ट्रिक्स होती है, जो कि आपको याद रखनी पड़ती है, जिससे आपका मेकअप जो है वो सही रहता है। सादिया, अच्छा तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, बिल्कुल स्टार्ट से नहीं, यहाँ से, ठीक है? और इसको जो है वो ऊपर की तरफ लेके जाना है, ये और ये। आवाज नहीं आ रही मुझे, मेरी आवाज आ रही है सबको? प्लीज मुझे बता दो कोई, ये रहा हूं मैं स्टार्ट करूँ, बाद में जो है वो भांडा अजीब सा वो हो जाए, मुझे प्लीज कोई बता दो कि आवाज मेरी सही है कि नहीं। नहीं तो मैं जो हूँ वो, मुझे अगर कोई देख रहा है तो प्लीज बता दो आवाज सही है कि नहीं। मुझे तो आ रही है आवाज, आ रही है आवाज। अच्छा ये रिजल करके जो ये ब्रांड है ना, जिन्होंने मुझे अभी कमेंट किया है, इनका भी मैंने इनको खास तौर पे बोला था कि मैं ना आपका जो है वो क्योंकि मैंने यूज किए हैं प्रोडक्ट्स इनके, तो मैं इनको भी जो है वो आप लोगों को जितने भी लाइव में देख रहे हो उनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी ये प्रोडक्ट्स की। तो इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये हैं, बेसिकली हेयर के जेल वगैरह है और ऐसी चीज़ें हैं, और ना सिर्फ ये जेंट्स बल्कि लेडीज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, ये जो है ये इनका हेयर टॉनिक है, ठीक है? अच्छा हेयर टॉनिक क्या होते हैं, हेयर टॉनिक जो इनका है ये मॉइस्चराइज करता है हमारे स्कैल्प को, और अगर अगर आपके स्कैल्प जो है वो ड्राई फील हो रही है, यू नो हम कभी नहाने में, और आजकल तो वैसे भी सर्दियां चल रही हैं, तो नहाने में इंसान यू नो डिले कर लेता है, आज नहीं यार कल नहाएंगे, तो उस टाइम पे और हमें कहीं जाना होता है तो हमारा स्कल्प जो है वो थोड़ा सा ड्राई फील होता है हमें, तो
तो तब आप जो है ना ये इसके दो तीन ड्रॉप्स लेके जस्ट उसको हाथों पे ऐसे लगा के, और इसकी खुशबू इतनी जबरदस्त है ना कि आपके यार, मैं इसकी खुशबू के लिए ना बस मतलब नहा लेती हूँ और इसके बाद मैं इसको लगाती हूँ। तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ये एक प्रोडक्ट इनका मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ जो है वो इन्होंने मुझे भेजा था ये ग्रूमिंग स्प्रे है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एफबी वाले पेज पे क्यों नहीं आ रही है, वो इतना डल पड़ गया ना, हम लोग एडमिन खुद ही डल पड़े हुए, इसलिए वो भी जो है वो डल पड़ गया बेचारा, लेकिन इंशाल्लाह उस पे भी आएंगे। तो ये जो है इन्होंने स्प्रे मुझे भेजा था, ये जो स्प्रे क्या काम करता है, जैसे हम लोग नॉर्मली कोई भी स्प्रे यूज करते हैं जैसे कि लॉरियल का मिलता है, ऐसे ये भी जो है वो आपकी जो हेयर में वॉल्यूम देता है, और अगर आपके कोई आपने कर्ल किया या कोई हेयर स्टाइल किया तो उसके ऊपर अगर आप ये लगाओगे ये स्प्रे, तो इससे ना आपका लॉन्ग स्टे करेगा, और ये काफी इनका जो है वो हैवी होल्ड है, तो ये भी आप इसको ट्राई करिएगा। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, इसकी स्मेल इतनी जबरदस्त है कि आपके अगर बालों में ऑयल भी लगाओ तो आप जो है इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। यार मेरी स्किन, यार ये देखो मेरे हॉर्मोनल इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त, तो इसकी वजह से ये देखो मुझे काफी इस वक्त जो है वो मेरी स्किन बहुत अजीब सी चल रही है, मेरे ही मोबाइल में आवाज। अच्छा ओके। और साथ में इनके जो है ना जेल है इनकी बहुत जबरदस्त, मैंने कुछ जेल जो है वो अपने जीजू को दे दिए थे और कुछ जो है वो अपने हस्बैंड के लिए रखे हुए हैं। हाँ यूसुफ के हैं ये जेल, ठीक है। तो ये जो जेल है ये इनके काफी 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 ज्यादा इनके पास जेल हैं, जो कि कुछ नॉर्मल होल्ड हैं, कुछ हैवी होल्ड हैं, और कुछ यू नो ऐसे भी हैं। तो हाँ यूसुफ ने भी बता दिया। तो ये ब्लू जो है ये यूसुफ का बहुत फेवरेट कलर है, और इसका ये जो ब्लू है ना ये यूसुफ का फेवरेट है। तो ये जो है ये भी बहुत अच्छे जेल हैं, मतलब कि काफी हैवी होल्ड, मतलब इतना सा यूज करो और इसका इतना ज्यादा जबरदस्त होल्ड होता है। तो ये भी आप ट्राई करिएगा, जो जो इधर अगर फीमेल है मेल है, फीमेल भी ऑब्वियसली हम लोग हेयर स्टाइल्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें जेल जेल यूज करते हैं, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, सॉरी इसको भी ट्राई कर सकते हो। मुझे एक और ब्रांड है उसको भी इंट्रोड्यूस करवाना है लाइव में, मैंने उनसे भी वादा किया था, तो मैं वो भी बता देती हूँ। साथ ही साथ इन दो पेजेस को आप लोग जाके जरूर देखना, इनका पेज है एक सेकेंड, इनका पेज क्या है, हाँ ये है कैप्रिशियस कैप्रिकॉन, नहीं एक सेकेंड, हाँ कैप्रिकॉन कोएथ, ये देखो कैप्रिकॉन कोएथ ये इनका पेज है। तो आप जो है वो इनके पास जाके आप लोग अपना जो है वो ऑर्डर दे सकते हो, आपके लिए बेस्ट है अगर आप हेयर स्टाइलिंग में हो या आप मतलब अगर बालों के लिए कुछ करना चाहते हो। बेबी आपने गिरा दिया, तो उसमें ये जो दो चीज़ है ना काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मैंने आपको पहले बता दिया। और साथ ही साथ मैं लुक की तरफ वापस आती हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। बेबी नीचे रहने दो उसको, उसको नीचे रहने दो। थैंक यू, मुझे मुझे ना कुछ लोगों ने नहीं एक ने बोला। अच्छा ये मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, ये मैंने शीन से ऑर्डर किया था, ये इतना ज़बरदस्त पैलेट है यार, मतलब इनका ये जो पैलेट है काफ़ी हाइप पे जा रहा है इस वक्त। अच्छा ओके, उसको नहीं छेड़ो बेबी गिर जाएगा। देखो ये देखो यार इसके जो शेड्स है ना बहुत यम्मी है, मुझे स्पेशली मैंने इस शेड के लिए जो है ना इसको ऑर्डर किया था क्योंकि ये जो शेड है ना इसका बड़ा प्यारा है, पता नहीं कैसे दिखाऊं मैं, ये देखो बहुत प्यारा है ये वाला। और साथ ही साथ मैंने शीन का एक और ऑर्डर किया था वो भी, हाँ बेबी इसकी स्मेल है ना, ये एक जो दिखा रही है मैं ये बहुत ही प्यारा है, ये बहुत ही प्यारा प्यारी है ये, मेरे हाल में 1 KD का था ये ग्लिटर, ये ऐसी इसका कंटेनर है और इसके जो ग्लिटर्स हैं ये ऐसे वाले हैं। एक सेकंड नज़र ही नहीं आ रहा, नीचे गिर गया। अच्छा ये देखो ऐसे हैं, ठीक है। अब पता नहीं अंदर से नज़र नहीं आ रहा पर एक सेकंड नीचे गिरा है वो, कुछ तो नीचे गिरा है। ओके उसका वो गिरा है ऊपर से क्या, ओके इसको मैं रखती हूँ वापस। हाँ ये देखो इन्होंने अपना पेज जो है वो टैग कर दिया, तो ये पेज पे आप लोग जा सकते हो जो भी कुवैत के मेंबर्स हैं, मेरे हाल में ये वर्ल्ड वाइड है और ये
हॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड कह रही हूँ, किधर का है, यूके का, हाँ सॉरी यूके का ब्रांड है। किधर, मैं हॉलीवुड में चली गई हूँ। चलो अब जो है वो बैक टू वर्क। मैं अपनी आईब्रोज बनाने जा रही थी, ये ठीक है। क्या कर रहे हो सो? ठीक है, अब जो है वो मैं अम्मा दादी से खाती थी वो साबुन है। क्या कह रहे? ठीक है, अब जो है जो मैंने जितना भी लगाया उसको मैं ब्लेंड करूंगी, क्योंकि ये जब लाइंस होती है ना इसको ब्लेंड करना लाजिम होता है, क्योंकि आपकी जब आईब्रोज में ये लाइन जो है वो फिर वो नजर आती है। यूसुफ पीछे से नजर आ रहे हो, ठीक है। अब फर्क देखो, और अगर जिसकी हैवी आईब्रोज होती है उसको फिलिंग की जरूरत, उसको सॉरी पूरा लगाने की जरूरत नहीं, वो जस्ट फिलिंग किया करें जहां जहां खाली होते हैं आपके आईब्रोज। मेरी तो आईब्रोज खैर इतनी हैं भी नहीं, तो इसीलिए गुगू यहां नहीं बैठो, उठो यहां से, उठो यहां से, सोफे पे बैठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो बेबी, उठो, मोबाइल गिर जाएगा मामा का बेबी, ये वाला और ये भी टूट जाएगा। ओके, अब जो है वो मैं अपनी आईज को जो है वो कंसील करूंगी। अच्छा, मैं कंसील जो है ना फाउंडेशन से ही करती हूँ, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप जो है वो कंसीलर से ही करो। चलो जो भी मिला, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप जो है वो कंसीलर से करो, आप फाउंडेशन से भी कर सकते हो। बस मेरे मुंह पे ही ना आके गिर जाए। पहले अपनी आईलिड्स को जो है वो मॉइस्चराइज किया करें। मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया हुआ ऑलरेडी, तो आप जो हो वो फिर उसको, अच्छा मैंने जब मेरी ब्रश पे ज्यादा प्रोडक्ट था तो मैंने इसीलिए यहाँ पे लगाया, क्योंकि मेरी जो ये आईब्रोज है वो खराब ना हो। अब जो है वो मैं उसकी डिटेलिंग में जाऊंगी। फटाफट, हेलो ये कौन है, हेलो ऋषि, और ये कौन है, यस आई एम मैरिड, ये वो टिपिकल अंग्रेज वाली इंग्लिश हो गई है। अच्छा अब जो मैंने लगा लिया ना इसको अब मैं ब्लेंड करूंगी, तो आप अपना स्पॉन्ज जो है वो गीला कर लिया करें, तो ये जो है वो, अच्छा लोग पूछते हैं कि गीला स्पॉन्ज करना और उसको नॉर्मल मतलब ड्राई रखना इसमें क्या फ़र्क है, तो ये होता है कि जब आप गीला करते हैं ना तो वो एक एक मिकदार तक जो है वो, टिपिकल उर्दू बोल रही है मैं इस वक्त, टिपिकल मिकदार तक जो है वो आपकी फाउंडेशन जो है वो एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, नहीं तो मतलब अगर आप सूखा सूखा लगाओगे तो वो आपका सही नहीं लगेगा, तो इसीलिए तो उसको थोड़ा बच्चों को पता लग जाए। बस यार क्या बताऊं। अच्छा अब जो है वो मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इसको सेट करने लगी हूँ। तो सेट कैसे करते हैं ना, मैं पीछे से लगा हुआ बोल रहा, अम्मा दादी ने सिखाया। यार हाँ नहीं 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 वो अब इस वक्त ना वो बैठा हुआ सुकून से, उसको लग रहा है मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, उसको ये नहीं समझ आ रही कि मुझे दुनिया देख रही है इस वक्त। तो ये देखो मैंने कॉम्पैक्ट लिया है, अब देखो कितनी अच्छी सेटिंग हुई है कि क्रीज भी नहीं पड़ेगी, और ये देखो सेटिंग, जब आप कंसीलर लगाओ ना तो उसी टाइम पे सेट कर लिया करो, ये देखो आईज की बात कर रही हूँ, और सेटिंग भी ऐसी किया करो कि जब आप कंसीलर लगा रहे हो तो आप उसको झपको मत, जब ऐसी हो तो इसी के ऊपर जो है वो ऐसे लगा लो, तो उससे क्या होगा कि एक जगह पे जो है वो सेटिंग हो जाएगी। इधर जो है वो मैं वो वाली लुक करने लगी हूँ जो मैंने पिंक सी दिखाई है,
अच्छा मुझसे जो बंदी पूछ रही थी कि पैलेट कोई अच्छा सा नॉर्मल जो है वो प्राइस में जो है वो बता दे, तो वो ये है काफ़ी अच्छा। और आप लोग कुवैत में रह रहे हो तो अगर आप मेरी तरह बंदे हो, मतलब कि मुझे है कि मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे ये ठीक लगता है। मुझे लगता है कि ये प्राइस में ये मुझे ठीक है, मेरे लिए हर चीज़ है इसके अंदर, हर कलर है मेरे लिए। तो ये एक पैलेट है जिसमें आपके पास 200 से ऊपर कलर्स हैं, ठीक है, लाइट से लेके डार्क तक शेड है इसमें। तो जो मुझसे पूछ रही थी कि पैलेट कौन सा लेना चाहिए और अच्छी प्राइस में और अपने लिए यूज़ करना हो, तो ये बहुत अच्छा पैलेट है जिसमें आपके पास, और इसकी प्राइस भी यकीन करो 7 से 8 दिनार की प्राइस है ये, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और आपके लिए ये बेस्ट है। मतलब मैं तो सिर्फ ये एक खोलती हूँ और इसी से सारा लुक और हर चीज़ कर लेती हूँ। सो आई गेस जो भी हैं बिगनर्स हैं वो यही कर सकते हैं यूज़। मैंने बोला तो है रुशी, मैंने बोला तो है हेलो रुशी। अच्छा, अब जो है वो मैंने, अच्छा उस शेड में उसमें क्या है कि ब्राउन और ब्लैक और पिंक शेड्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा जूम कर देती हूँ, आप लोग बेशक मेरे जो फ्लॉज हैं वो देख लें, इट्स ओके। अच्छा ब्रशेस के बारे में भी बहुत लोग पूछते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ कि ब्रशेस कौन कौन सी होती है और ब्लेंडिंग ब्रश कौन सी होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि ब्लेंडिंग ब्रश का बता दो कि वो कौन सा होता है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। मुझे आप इनबॉक्स भी करके पूछोगे तो मैं ऐसी बंदी हूँ, मैं आपको बता दूंगी, मुझे कुछ मसले नहीं होते। खैर मुझे ना मेरी ब्रश कहाँ गई है। अच्छा ये मैंने ब्रशेस भी शीन से ऑर्डर की थी और काफ़ी अच्छी इनकी जो है क्वालिटी है अभी तक। तो खैर मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो वॉश नहीं किया, आधे से ज़्यादा अभी भी पैक है, तो इनकी लेकिन ब्रशेस काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। और इनका पैक में हाल में सेल पे था तो 1.5 का था शायद, तो ये ब्रशेस जो हैं वो इसमें और भी हैं। मैंने सिर्फ आई आई ब्रशेस का सेट यूज़ किया लिया था क्योंकि मेनली आईज की होती हैं, तो मैंने इसीलिए आईज का लिया था, ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छी डिटेल ब्रशेस है और कुछ ऐसी भी हैं और कुछ पॉइंटेड ब्रशेस भी हैं, तो मुझे अच्छी लगी थी ये सेट तो मैंने इसलिए ऑर्डर किया था। हाँ मिल्टन को बोल रहा है, अच्छा अब मैंने क्या करना है, जो ये क्रीस है ना मेरी, ये जो एरिया होती है, देखो आपकी जब एरिया बड़ा होता है ना तो आप बड़ी ब्रश यूज़ करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लगाना है ब्राउन शेड, ठीक है, अपना क्रीज कलर। क्रीज कलर बेसिकली क्रीज पे तो नहीं लगता लेकिन क्रीज के ऊपर लगता है, हमारी क्रीज तो ये होती है ना, लेकिन हमारा क्रीज कलर यहाँ लगता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हाइलाइटर लगता है। तो ये जो शेड यहाँ पे लगता है ना ये हमारा क्रीज कलर होता है। तो क्रीज कलर हमेशा लाइट शेड्स होते हैं जिसमें आते हैं ऑरेंज, ऑरेंज का जो सॉरी पीच होता है वो, या फिर ब्राउन की जो लाइटेस्ट शेड होती है ना वो। और क्रीज कलर ज़रूरी नहीं है कि आप यही दो लगाओ, अगर हम लोग ग्रीन कर रहे हैं या फिर क्या कहते हैं ब्लू कर रहे हैं मेकअप, तो उसमें ब्लू का सबसे लाइटेस्ट ऐसे ऐसे भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है ब्राउन ही हो। सो ये जो है वो, एक सेकंड मैं लुक दोबारा देख लूँ, मैं भूल गई हूँ। लाइव आना और लाइव में जो है वो ये करना एक बहुत टास्क है, बड़ा टास्क है समझाना प्लस, तो मैं ना इंशाल्लाह जल्दी जल्दी करती हूँ बस। और साथ साथ में अगर किसी ने क्वेश्चंस करने हैं तो आप लोग कर सकते हो। ओके ठीक है। अच्छा जब दोनों आइस कर रहे हो ना तो दोनों को साथ साथ ही स्टेप्स किया करो, उससे ये होता है कि आपकी जो स्टेप्स होते हैं आपको याद रहते हैं कि आपने कौन 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 सा कलर जो है वो लगाया अप्लाई किया है, ये एक होता है। और एक जो होता है कि दोनों हाँ साथ साथ ही हो जाते हैं। अच्छा ये देखो जब मेरी मैंने यहाँ से पिक किया ना कलर, तो मैंने यहाँ पे फोकस किया, यहाँ पे पहले टैप किया, फिर जब मैंने देखा कि मेरी ब्रश के ऊपर इतना प्रोडक्ट नहीं रह गया तो फिर मैं अंदर की तरफ आई हूँ, ठीक है। ये भी टिप्स होती हैं आइस की, ठीक है, ये हो गई। और बहुत सी लुक्स जो हैं,
और पास आ जा बाजी ऋषि, तुम ना आना पास, तुम ना आना मेरी तरफ। नहीं ये सब तो मैं नहीं कह रही बेबी, आंटी को बोल रही हूँ मैं। अच्छा अब मैंने क्या करना है, उस जो लुक में है ना इफेक्ट ऐसा है, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जा रही हूँ। ऐसे अपनी ब्रश को हल्के हल्के ऐसे रख रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ। हेलो, ऐसे ठीक है। मेरी जो स्किन है ना इस वक्त बहुत मैं अभी बता भी नहीं सकती क्या इश्यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से जो है ना स्किन थोड़ी सी खराब हो रही है। तो चलता है, कभी कभी ऐसा सीजन आता है कि आपकी स्किन जो है ना उन चीज़ों से गुजर रही होती है, तो वो मेरे पर वो फेस आया हुआ इस वक्त। ठीक है ये हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ये तो बड़ी ब्लेंडिंग ब्रश थी ना, ऐसी ऐसी थी, तो अब इसके बाद थोड़ी, बेबी गिरोगे, बेबी नीचे उतरो। यूशा को बोल रहे हैं बोबो। अब जो है वो थोड़ी ऐसी ब्लेंडिंग ब्रश, ये इसका जो है ना पॉइंटेड है, ठीक है? ये देखो ये बाल देखो जरा पीछे से, ये देखो ऐसा है, ठीक है? तो ये जो चीज़ है ना ये पॉइंट ये लगेगा मेरी इस एरिया पे, ठीक है? इस एरिया पे। तो यहाँ पे मैंने ना डार्कर थोड़ा शेड लेना है। मैंने शेड कौन सा लिया था पहले वो भी बता देती हूँ। मैंने पहले इन इनमें से मैंने ये इनमें से मैंने लिया था, ठीक है? अब जो है वो मैं थोड़ा डार्क शेड की तरफ आऊंगी, तो डार्क शेड में ये है, ठीक है? पर मैं इतना डार्क नहीं करने वाली, अभी थोड़ा लिमिट में रहूंगी, जो कि ये है, मिडिल में रहूंगी, ठीक है? तो मिडिल वाले जो है वो अब मैं थोड़ा सा टैप किया, ठीक है? अब जो है वो मैं इस जगह पे लगाऊंगी। अच्छा आपने देखा है ना कि जब उसी टाइम पे कंसीलर के ऊपर पाउडर लगा दो तो क्रीसिंग नहीं होती, तो ये वो जो मैं बता रही थी ना वो ये है रिजल्ट कि क्रीसिंग नहीं होती फिर आपकी। तो ये जो है मैं फोकस कहाँ कर रही हूँ, ये लाइन जहाँ मेरी ऑलरेडी कुदरती लाइन है ना उसके ऊपर कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे, और इसमें जो है ना ब्रश का सिर्फ टिप लग रहा है। और मैं इस लाइफ को जो है वो सेव कर दूंगी बाद में। और मैं इस वाले शेड में ना बाहर नहीं निकाल रही ज्यादा, वो इसलिए क्योंकि डार्कर शेड है तो बाहर नहीं लगता, ये शेड अंदर ही रहता है। अब मैं जो वापस वही ब्रश के साथ, मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिया, जस्ट इनको ब्लेंड कर रही हूँ आपस में ऐसे। बीबी गिरोगे, बीबी यूसुफ थोड़ा इसको बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है? ये हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ब्लैक शेड लगाना है, डार्कर थोड़ा सा शेड में जाना है। मेरी जो ब्रशेज हैं, एक तो ब्रश ढूंढना ना कोई खफ जाब है, ये देखो ये ब्रश है, या ये सारे जो है ना मैंगी करके कोई नाम है इसका, ये शीन से मैंने लिए थे, बहुत अच्छे हैं ये वाले। अब मैं थोड़ा और डार्कर शेड में जा रही हूँ, जो कि ये डार्कर शेड है, ठीक है? यार इस, हाँ इस पैलेट का जो नाम है ना वो विक्टोरिया पैलेट है, यकीन करो इसी से सारे लुक हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है आप लोग जो है वो इतने महंगे महंगे लुक्स पैलेट्स की तरफ जाओ। अच्छा अब जो है वो मैं अपने मिरर में देखूंगी। अच्छा उसमें ना लाइट की वजह से थोड़े कम लग रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो सही लग रहे हैं। उफ मैं नेटवर्क भी बदल लिया पर लाइट स्टक हो रही है। किसी और के साथ भी हो रही है? अगर किसी और के साथ हो रही है तो प्लीज़ बताओ, मैं नेट जो है वो बाहर ले आऊँगी अपना। अगर किसी और के साथ भी यही इशू हो रहा है तो प्लीज़ काइंडली मुझे बता दो। अब इस शेड के साथ ना मैं बिल्कुल जो लाइन, मेरी जो लाइन भी थी ना जो मेरी कुदरती लाइन बन रही है, उससे भी नीचे नीचे रहूँगी। प्लीज़
प्लीज मुझे बता दो कि किसी और के साथ स्टक तो नहीं हो रहा, ये इश्यू तो नहीं हो रहा। ये देखो मैंने सिर्फ अप्लाई किया है, और वापस जो है ना मैं ब्लेंडिंग ब्रश के साथ जो है वो इसको ब्लेंड करूंगी। जो शेड्स जितने भी लगाए ना वो वापस ऐसे। काइंडली अगर कोई मुझे देख रहा है तो प्लीज बता दो कि मेरी लाइव जो है वो स्टक तो नहीं हो रही कोई और। मैं यार खुद ही देख लेती हूँ अपनी लाइव। ओके, मुझे बार बार अपना सबा स्किन बहुत खराब हो रही है। हाँ यार मेरी स्किन, मैंने बोला ना मेरी स्किन में इश्यूज आ रहे हैं, उसकी वजह से मुझे ना थोड़ी सी, ये देखो हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं मेरे, थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है, तो उसकी वजह से ना मेरी जो स्किन है ना वो बहुत खराब हो रही है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ पानी ज़्यादा पीऊँ, बट हार्मोनल इश्यूज यहाँ, जब यहाँ पे पिंपल्स आपके हो ना तो आपको हार्मोनल इश्यूज होते हैं। यार वो सीजन ही कुछ ऐसा चल रहा है कि समझ नहीं आ रही स्किन के साथ। देखो तो ये टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे, और मेरा मेरे साथ ऐसे ही है, कोई सीजन चलता है एक जिसमें स्किन जो है वो बहुत अच्छी होती है मेरी, ग्लो कर रही होती है, और कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी ना अप एंड डाउन होता है, तो ये चलता रहता है। अच्छा मैं जरा अपना लाइव देखूँ कि सही चल रहा है कि नहीं। अच्छा सही तो चल रही है। खैर अच्छा अब मैंने क्या करना है कि दोबारा मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और इसको जो है वो दोबारा से ब्लेंड करूंगी सेम अपने ब्रश के साथ। सो ये जो है वो एक बहुत अच्छा सा ये ना ब्लेंड हो जाता है ऐसे। मुझे ये किसी ने नहीं बताया कि मेरी लाइफ सही चल रही है कि नहीं। ठीक है अब देखो, ये देखो फर्क, मतलब कि फर्क क्या दिखाऊंगी, इसमें तो मेकअप लग गया है, बट ये हो गया ठीक है। थोड़ा सा उसको और करिए। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सेम फाउंडेशन से कर रही हूँ मैं, मैंने क्रीज जो है वो अपनी कट करनी है। क्रीज कट करना मेरी जो आई लिड है ना, ये जो एरिया है छोटा है, तो मैं इसलिए ये छोटा सा ब्रश ले रही हूँ, नहीं तो अगर आपकी आईज बड़ी हैं तो आप ऐसा बड़ा वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप छोटा यूज़ करो, मैं मेरी स्पेसिंग छोटी है तो मैं इसलिए कर रही हूँ। तो स्पेसिंग के ऊपर भी बड़ा होता है कि अगर आपकी स्पेसिंग छोटी है तो आपको छोटे छोटे ब्रश यूज़ करने हैं, अगर आपकी स्पेसिंग ना उसके ऐसे 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 समझ जाओ बस। मैं वो लुक दोबारा देखूँ ज़रा, एक तो यार मुझे दोबारा मैसेज में जाना पड़ता है, भला सेव ही कर लूँ मैं। हाँ मैंने सेव किया हुआ था ये। ओके थोड़ा सा और डार्क है तो मैं थोड़ा सा और डार्क करूँगी इसको एंड पे से। ओ बेबी, अच्छा एक सेकेंड मैं रुको बनाती हूँ, मामा जानो एक सेकेंड बनाती हूँ मैं। अच्छा मुझे ना ये एक बंदी ने भेजा था, मतलब मैंने ऑर्डर किया था उनसे, तो मुझे उन्होंने ये साथ में भेजा था, मैंने कहा ये ट्राई करती हूँ। तो ऐसे ब्लैक शेड है इसमें, वो जो ब्लैक शेड है वो मैं इधर तक लगाऊंगी, अच्छा है कलर, बस इधर तक, ज़्यादा अंदर नहीं जा रही। वापस से मैं जो हूँ इसको ब्लेंड करूँगी इन सबको, और ऊपर जो ये एरिया ना इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, ठीक है। ये चीज ओके, ये हो गया। अब मैंने जो है ना अपनी आईज को कट क्रीज करना है। अब जो है मैंने, जब मेरी देखो ब्रश के ऊपर ज्यादा लगा हुआ है ना, तो मैं इधर लगाऊंगी पहले, ठीक है। अब उसके बाद मैं अंदर की तरफ आ रही हूँ। और मेरी देखो आईज कहाँ खुलती है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को जो है ना कंटिन्यू करना है मैंने।
ठीक है यहाँ तक रखूंगी बस, क्योंकि उस लुक में हेलो सादिया। यस, टक नहीं, रुक 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 के चल रही है आगे, बहुत पहले के कमेंट पढ़ रही है यार। मुझे ना पता नहीं ऐसे ही आ रहे हैं, मुझे ऐसे ही शो हो रहा है। एक सेकेंड, मैं ना इसमें देखती हूँ, मुझे ऐसे ही आ रहे हैं यार। मैंने ना वो भी नहीं सेव किया, दूसरा मोबाइल भी नहीं चार्ज किया। तो नहीं तो मैं उसमें कर लेती। मेरे पास ना असल में, मैं एक सेकेंड ये जो लुक्स है ना मैं भेज दूँ, रुक रुक के चल रही है। अल्लाह लो लो, दीदी क्या कर रहे हो? चलो मेरे पास क्यों ऐसे आ रही है फिर से? सही आ रही है मेरे पास, स्टक हो रही है। बेबी अंदर से वो लेकर आओ, इंटरनेट लेकर आओ अंदर से। अच्छा क्या ये, मैं अपने आप को ही सुन रही हूँ। हेलो सुल्तान लॉग्स, अच्छा ओके। अपने आप को देख के बहुत ही गंदा लगता है, वापस बैक टू वर्क। अच्छा मैं ना इसे लुक देख लूँ दोबारा से, आप लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। गुगु प्लीज अंदर से इंटरनेट लेकर आना, थैंक यू। अच्छा अब क्या करना है, मैंने अपनी जो फ्लैट ब्रश है, फ्लैट जी, नहीं बेबी उधर ही है, उधर ही है। बाबा कैसे लेके चले गए यहाँ? यार सीजन कुछ ऐसा चल रहा है ना कि इंसान की बॉडी में डलनेस है, और कुछ इतना खाया पिया नहीं जाता। अच्छा यार मैं चेक करती हूँ, मैं ना अंदर से लेके आती। बेबी ले आओ, यूसुफ ले आओ, मिला? अरे नहीं, बंद नहीं करना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर लेकर आओ, लेकर आओ। सही है सही है सही है, ठीक है बेटा। वो बंद नहीं ना किया। अच्छा अब मुझे बताओ, मतलब लाइव स्टक आपको कमेंट लेट शो हो रहे हैं, आए तो और की पिंपल प्रॉब्लम बस मुझे ही है। नहीं यार मुझे मुझे ज़्यादा नहीं होते, मुझे एक दो होते हैं, मतलब अभी सीजन चल रहा है ना इसकी वजह से मुझे स्टक हो रही है। का मैं दोबारा आ जाऊँ लाइव? ओ यार क्या करूँ, एक सेकेंड मैं देख रही हूँ, मैंने नेट जो है ना बाय लेकर आ गई हूँ। तो अब देखो अब कैसा चल रहा है लाइफ, समझ नहीं आ रही क्या करूं। नहीं जो पिंपल इशू है ना वो हो जाता है यार मेरे साथ, तो बस कभी ऊपर नीचे हो जाए ना कुछ तो फिर हो जाता है। यार मुझे बता दो प्लीज, अभी भी हो रही है स्टक, या फिर मैं मतलब मैं दोबारा आ जाऊं लाइव? अरवा मुझे आपके मैसेजेस देखो नहीं मिले, कुछ समझ नहीं आ रहा, डिस्टरबेंस है। हाँ मैं वही पूछ रही हूँ कि मुझे प्लीज़ बता दो दोबारा से, मैं लाइव आ जाऊँ, मैं दोबारा लाइव आ जाऊँ, मैं इसको पोस्ट करके दोबारा लाइव आ जाऊँगी, आप लोग बता दो मुझे प्लीज़, दोबारा से आ जाती हूँ मैं। मुझे ना शायद कमेंट्स भी लेट आ रहे हैं, मैं इधर देख लेती हूँ, इट्स ओके, को मानी। शायद मौसम ऐसा, यार कमेंट्स भी दोनों साथ साथ में ही आ रहे हैं। हाँ मौसम ऐसा है ना, इसलिए पानी भी नहीं पिया जाता, इसलिए ये सब चीज़ें। यार मुझे प्लीज़ कोई बता दो कि यार मुझे क्यों नहीं ऐसे स्टक हो रहे, मेरे पास तो बिल्कुल सही आ रहा है, प्लीज़ मुझे कोई बता दो यार। अच्छा मेरे पास इधर जो शेड है मैं वो लगाऊंगी,
इस पैलेट में से, ये देखो ये वाला लगाऊंगी मैं, ठीक है, इनर कॉर्नर पे। मुझे बता दो नहीं तो मैं दोबारा लाइव आ जाती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है यार, ठीक है। इसको जो है वो मैं इधर लगाऊंगी, मैं एग्जैक्ट उसी को कॉपी कर रही हूँ। फ्लैट ब्रश के साथ। अच्छा मुझे वहां पे भी लेट शो हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या, जब तक सवा के पास कमेंट जाने लुक यार मुझे ना, मैं दोबारा ही आ जाती हूँ यार, मैं दोबारा आती हूँ, ठीक है। अब ये जो जितने भी 15 लोग हैं ना, ये मुझे दोबारा ज्वाइन करो, शाबाश, मैं दोबारा आ रही हूँ।